आज हम MCN समाचार की तरफ से किचन ट्रॉली के ओनर एजाज साहब से बात करते हैं कि जो कि ये स्पेशलिस्ट है कि तकरीबन बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो किचन्स जो तैयार होते हैं ये तकरीबन विद मटेरियल काम लेते हैं। और आइए हम इनसे जानते हैं कि लॉकडाउन के अंदर या लॉकडाउन के बाद इन्हें क्या तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा है। आइए हम इनसे बात करते एजाज साहब। सर, लॉकडाउन में तो बहुत हालत ख़राब थी। लेबर जो है बैठे हुए थे और हम लोगों का कैसा है, पूरा स्टाफ रहता है, उनका पूरा खाना पीना ये पूरा एक्सपेंसिव एक्स्ट्रा हमारे पे खर्चा हुआ है। उसके साथ जैसी लॉकडाउन ख़त्म होता है, तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मार्केट एकदम डाउन हो चुका था। मार्केट डाउन होने के बाद जो हमारे पेंडिंग काम थे जो हमने लॉकडाउन से पहले लिए हुए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल वो समझो हमारा 1 लाख में लिया हुआ था किचन, अब लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद रॉ मटेरियल जो है स्टील है जितने भी हमारे रॉ मटेरियल है इनकी कॉस्ट जो है 30-35% इनकी कॉस्ट बढ़ गई है। वो कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो हमारा जो काम लॉकडाउन से पहले लिया हुआ था अब वो तो एक कमिटमेंट रहता, तो उसके वजह से हमें फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ है। और सेकेंड, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो लेबर्स थे हमारे पास बाहर के ये अपने अपने गांव चले गए। एक तो मैन पावर का सबसे बड़ा टेंशन है इसमें, मैन पावर उसके वजह से हमें बहुत काम में तकलीफ़ हो रही है। वो लोगों के जाने के वजह से काम स्लो हो गया है। एंड सेकंड जो है ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है दिन ब दिन डेली 5%, 2%, 3% ऐसा कर करके आज जो है 35% कॉस्ट में बढ़ोतरी आ चुकी है। ये कॉस्ट में बढ़ोतरी आने के वजह से जो नए क्लाइंट्स है ये नए क्लाइंट्स अप्रोच नहीं हो रहे, क्योंकि मार्केट टोटली सोया हुआ है तो वो भी लोग फाइनेंशियली थोड़े परेशान है। इसके वजह से नए कस्टमर हमारे पास अटैच नहीं हो रहे। ठीक है, जो रुपये में समझो 1-2% हो रहे हैं क्लाइंट, बाकी जिस तरीके से हमारा बिजनेस रेगुलर चलता था उस हिसाब से तो हम 80% रिवर्स है अभी। यह सब अभी लॉकडाउन के अंदर और लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में जो आपने चार्जेस लिए थे मतलब जो तय किए थे उसके बाद और अभी के रेट्स में क्या फ़र्क आया? अभी की रेट में कम से कम नियर अबाउट 35% ग्रोथ हुई है कच्चे माल में। अब ये क्यों हुई है ये आई डोंट नो, इसका नहीं है आइडिया। हमारा कहना ये है कि आप अगर मार्केट को इकोनॉमी आपकी मार्केट की कंट्रोल करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से ये हमारी वो है, तो आप जो है रॉ मटेरियल को उसका कॉस्ट मत बढ़ाइए। उसका कॉस्ट बढ़ने से पूरी टोटल जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि वो माल महंगा आएगा हमारे पास, हम क्लाइंट को महंगा देंगे, उसमें जो बिज़नेस होना चाहता होता था हमारा वो बिज़नेस नहीं हो पा रहा है। तो हमारा बोलना इतना है गवर्नमेंट से कि आप जो ये स्टील के अंदर जो इतना आपने ग्रोथ कर दी है कच्चे माल में जो है, तो इसके रेट के बारे में आप कुछ सोचे और ये रेट को कुछ एक कॉन्स्टेंट रखिए। ये इतना रेट बढ़ने के बाद जो है बिज़नेस करने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। आज नियर अबाउट महीना डेढ़ महीने से तो ऑर्डर्स ही नहीं है, ये मार्केट की कंडीशन है। अभी आपकी साइट्स कहाँ कहाँ चालू है सर? सर अभी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 5 जगह साइट चालू है, उसमें नई साइट तो एक भी नहीं है। जो लॉकडाउन के पीरियड में जो फाइनल हुई हुई थी तो वही साइट्स मेरी चालू है अभी, दूसरे नए साइट तो अभी कोई नहीं है सर। अब इसके वजह से होता क्या, अब हम लोग अकेले नहीं रहते, हमारे पास पूरा स्टाफ रहता है, तो काम हो या मत हो आपको उनको सैलरी भी देना है, उनके खाने का बंदोबस्त करना है, हर चीज़ करना है, तो ये जो बोझ हम पे पड़ रहा है तो हम रोज़ जो है यानी कि मुद्दल में से भी माइनस होते जा रहे। आज यही कंडीशन, अगर सेम ये कंडीशन और अगर महीना डेढ़ महीने रहता है तो मार्केट बहुत ख़राब हो जाएगा सर। या सर आपके पास जो एम्प्लॉयज़ है तो ये परमानेंट है क्या डेली वेजेस पे? अभी समझो ये डेली वेजेस पे ही है हमारे पास, उसमें से आधा स्टाफ तो परमानेंट है, तो उनको तो पेमेंट और सैलरी वो तो देना ही पड़ता है सर, काम हो या मत हो उनको सैलरी देना ही पड़ता है।
अच्छा आप कुछ महाराष्ट्र शासन से आपकी कुछ मांग है? मैं महाराष्ट्र शासन से सिर्फ मेरी इतनी ही मांग है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उद्धव साहब की और बहुत मानता हूँ उनको कि बहुत ब्रिलियंट है, कि आप जो है सिर्फ ये जो हमारा रॉ मटेरियल है एसएस का जितना भी रॉ मटेरियल है वगैरह, तो इसकी कॉस्ट पे एक शायद ये भी हो सकता है कि ऊपर रेट बढ़ा ना हो, एक जनरली बात बता रहा मैं, नीचे आया है तो वो रेट बढ़ा दे रहे कि भाई ठीक है कॉस्टली आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, कुछ भी बहाने करके शायद ऐसा भी हो सकता है। तो इस पर एक कमेटी गठन करे और वो देखे कि भाई सही रियल में फैक्ट्री से माल कौन से कॉस्ट पे निकल रहा है और मैन्युफैक्चरर के पास कौन से रेट तक आ रहा है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस पर एक समिति गठन करके वो रेट के बारे में देखे क्या है। तो आज आपने देखा, हमने एजाज साहब से बात की है और हमने इनकी तकलीफ़ों को जाना है। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MTN समाचार खान राफी मोहम्मद के साथ।